नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें, यूपी निकाय चुनाव से पहले राजा भैया, मायावती, शिवपाल यादव ऐसे तमाम नेता हैं जिनकी गिरफ्तारी को लेकर खबर सामने आ रही है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, मौजूदा समय के हालात को देखकर यह जाहिर तौर पर इशारा किया जा रहा है कि क्या आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। क्या विपक्षी पार्टियों की एक बड़ी बैठक हो सकती है या विपक्ष एक नई मजबूती के साथ काम कर सकता है। हालांकि इन सबके बीच में अपने दर्शकों को बताएं कि उत्तर प्रदेश में लगातार विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन है वो तो मजबूत हो ही रहा है, इसके साथ ही साथ योगी सरकार की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरह से प्रदेश में बगावत हुई है, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा, आरक्षण जो खत्म कर रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में नाराजगी देखने को मिले, तो तमाम जो पहलू इस वक्त के हैं वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में एक बड़ा नुकसान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को होगा। हालांकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। जी हां, बीजेपी कर रही है, समाजवादी पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक और जहां योगी सरकार खतरे में है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों पर शिकंजा कसे जाने की बात निकल कर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों पर एक शिकंजा कसा जा सकता है। न सिर्फ जो है कई विपक्षी पार्टी के नेताओं पर धर पकड़ हो सकती है, बल्कि कई उनके ठिकानों पर छापेमारी हो सकती है और कई जो पुरानी फाइलें हैं उनको खोले जाने की बात सामने आ रही है। तो क्या आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा माहौल इस तरह से बनता हुआ देखेंगे और क्या उत्तर प्रदेश में एक नई तस्वीर देखी जाएगी? क्या कुछ आगे और अपडेट रहेगा, इस पर लगातार बात करते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।